अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा किन्नौर का क्रिस्पी ब्रोस्ट, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं डालेंगे, चंद इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी ब्रोस्ट बनेगा। क्रिस्पी ब्रोस्ट के लिए हमें तकरीबन 2 अदद हमने चिकन ली है, इसके हमने ब्रोस्ट के पीस कटवा लिए हैं और अच्छे से धोखे से हमने कट लगा लिए हैं तमाम पीसेज में। अब हम इसमें ये किन्नौर का मसाला शामिल करेंगे, जो कि तकरीबन 1 पैकेट हमने लिया है, और तकरीबन ये हमने 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है वो शामिल करेंगे। तकरीबन इसमें हमने 2 टेबल स्पून के करीब विनेगर लिया है और 2 ही टेबल स्पून हमने चिली सॉस लिया है वो डाल देंगे। और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और तकरीबन 2 घंटे के लिए हम इसे मैरिनेट कर देंगे मिक्स करने के बाद। ये तमाम कट्स में हम अच्छे से मसाला लगा देंगे ताकि खूब अच्छी तरह ये बन जाए ब्रोस्ट का। ये देखें, सारा मसाला अच्छे से हमने तमाम पीसेस पे लगा दिया है जो हमने कट किए हुए थे, अंदर अंदर तक इसको लगा दिया है। ये बहुत ही आसान और झटपट बनने वाला ब्रोस्ट है। अगर आपके कोई मेहमान आ गए जल्दी से तो आप इसे फटाफट बना सकते हैं। इसे हम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने रखेंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसे आप हल्का सा स्टीम भी दे सकते हैं और फिर इसकी कोटिंग कर दीजिएगा। ये देखिए, चिकन हमारा अच्छे से 2 घंटे तक मैरिनेट हो गया है। अब हम इसको कोट करेंगे और हम आपको बताते हैं कि कोटिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। हम इस तमाम पीसों को अच्छे से कोट कर देंगे। कोटिंग के लिए हमें 2 अदद अंडों की ज़रूरत होगी। तकरीबन ये हमने 1 से 1.5 कप मैदा लिया है और ये तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और इसी में हम थोड़ा सा किन्नौर का मसाला डालेंगे ताकि ये अच्छे से स्पाइसी सा कोटिंग लग जाए इसमें। इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे आपस में। ये अंडों को अच्छे से हम फेंट लेंगे। पहले हम अपनी चिकन को मैदे में डालेंगे, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और फिर दोबारा मैदे में कोट करेंगे। इससे एक बहुत अच्छी क्रंची सी कोटिंग आ जाएगी ऊपर। ये अच्छे से सब जगह आपने मैदा लगाना है, फिर इसके बाद हम अंडे में डिप करेंगे। फिर दोबारा हम मैदे में इसको अच्छे से कोटिंग करेंगे और इसको खूब अच्छे से दबा दबा के आपने मैदा लगाना है ताकि बहुत अच्छे से ऊपर क्रंच बनेंगे। अगर आप अंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहते या जिन लोगों को एलर्जी होता है अंडे से, तो वो पानी में भी डिप कर सकते हैं। अंडे की जगह आप पानी का इस्तेमाल कर लें। इसी तरह तमाम पीसीस हम कोटिंग कर लेंगे।
ये देखिए तमाम चिकन पीस में हमने अच्छे से कोटिंग कर दी है। अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। फ्राई हमने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करनी, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे करनी है ताकि अंदर से चिकन हमारा गल जाए। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आया है और इतना क्रिस्पी ब्रोस्ट बना है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखिए हमारा ब्रोस्ट बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है।